Praise the Lord. ये बीच में कुर्सियां खाली नहीं छोड़ना, ये पूरा कुर्सी भर के बैठे, पीछे जो बैठा सब सामने आ जाए. बीच में एक भी कुर्सी खाली नहीं छोड़ेगा, सब भर कर ही बैठेगा. यहां कौन है? कौन है वहां? मनीष यहां जा. लूका रचित सुसमाचार 3:15 से पढ़े. जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं, तो यूहन्ना ने उन सबों से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंध खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं चला देगा. जब लोग आस लगाए हुए थे कि और सब अपने अपने मन में योहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यह मसीह तो नहीं है, योहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो नहीं, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है और मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंध खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा. योहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को स्पष्ट किया कि मैं मसीह नहीं हूँ और मसीह आने वाला है. मैं तो केवल पानी में बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा. और पवित्र आत्मा जो पेंतेकोस्त के दिन में लोगों के ऊपर उंडेला गया था, वो पवित्र आत्मा का प्रतीक था, वो पूरी हुई. लेकिन जो आग से बपतिस्मा देगा, या ये आग की बपतिस्मा पवित्र आत्मा की बपतिस्मा है, ऐसा विचार करने का सोचने का कारण वांग का शब्द है, आग की बपतिस्मा. आग की बपतिस्मा वो शब्द एक कारण है कि यह सोचने का कि ये पवित्र आत्मा की अभिषेक के बारे में है. दूसरा, ये पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में है सोचने का कारण, जब पवित्र आत्मा उतर आया था तब आग आया था. ये दोनों विचार के कारण विश्वास किए जाते हैं कि ये आग की बपतिस्मा पवित्र आत्मा की बपतिस्मा है, लेकिन नहीं है. यहाँ पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतार कर परमेश्वर ने जो पूरा किया उसके बारे में है, लेकिन आग की बपतिस्मा नरक के बारे में है. कैसे मालूम? इससे पहले 9वां पद में यूहन्ना एक दृष्टांत कहा कि एक वृक्ष जिसमें फल नहीं आता है, उसके जड़ पर क्या रखा है? कुल्हाड़ा रखा है, और वो काट दिया जाए और उसमें कहां डालेंगे? वो आग में झोंका जाएंगे. वो आग कौन सा है? नरक है. और यहां पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा. यहां जो आग कहा है वो नरक है. कैसे मालूम? आगे देखिए 17वां पद. ऊपर कहा वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसके आगे कह रहे हैं उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा. यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, मसीहा के बारे में कह रहे हैं. मसीह का हाथ में क्या है? क्या है? सूप है. वह अपनी खलिहान को अच्छी तरह से क्या करेगा? साफ करेगा. यूहन्ना 2 दृष्टांत जो कहा, पहला एक
पेड़ जिसमें फल नहीं लगता उसको काट कर आग में डाला जाएगा, वो दृष्टांत है। अब यहां दूसरे एक किसान जिसने खेत में अपना काम किया और उसने कटनी काटा, उसके बाद उसमें से फसल निकाला, और वो जो काम करता उससे तुलना कर रहे। वो तुलना क्या है? सूप उसके हाथ में है, वो उससे क्या करेगा? खलिहान को साफ करेगा। आपको मालूम है गांव में जब आप काम करते हैं, जब खलिहान को साफ करने का ऊपर से डालते हैं तो सूपा से सूखो क्या करते हैं? मारते हैं, ताकि वो हवा लगने से जो भूसा है वो क्या हो जाए? उड़ जाए, और जो धान है वो कहां गिरे? नीचे। अभी तो मशीन आया ना, पहले मशीन वाला नहीं था, उस वक्त ऐसा ही करता था। तो कह रहे हैं ऊपर कहा प्रभु यीशु मसीह अर्थात मसीहा पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, नीचे कह रहे हैं सूप उसके हाथ में है, वो खलिहान से उसको क्या करेगा? साफ करेगा। साफ करके क्या करता है? अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। गेहूं को कहां रखेंगे? अपने खत्तों में इकट्ठा करेगा, लेकिन भूसी को आग में। ऊपर क्या बोला? वह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहां आग कौन सा है? नरक है। यीशु मसीह अंतिम समय में जो मनुष्य यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया और वचन के अनुसार चला वह है गेहूं, उन्हें खत्तों पर इकट्ठा करेगा। कहां? स्वर्ग पर। बाकी जो भूसी है उसको कहां डालेगा? आग में। अब याद रखने है, भूसी कौन है? दुष्ट लोग नहीं है, यह विश्वासी है। नाम का विश्वासी काम का विश्वासी नहीं था। कैसे मालूम? ये कहां से आया भूसा? उसी खेत से। ये स्वामी का खेत से आया है, इसने काट कर लाया था, लेकिन अलग करते वक्त गेहूं खत्तों में इकट्ठा किया, भूसी को कहां डाला? मतलब ये कहां से आई? ये स्वामी का खेत से आया। इसका मतलब है कौन? यह है काम का नहीं नाम का विश्वासी है। ईसाई कहता ईसाई है, विश्वासी कहता, लेकिन काम का नहीं है। प्रभु में है बोलता है, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताता, अपनी मर्जी के अनुसार जीवन बिताता, पाप में जीवन बिताता, लोगों के सामने दिखाने का जीवन बिताता है, सोचता है कि मैं वहां पहुंचूंगा। लेकिन यह स्वामी ऐसा काम करेगा, जिस दिन खलिहान को साफ करेगा उस दिन गेहूं को इकट्ठा करके खत्तों में भरेंगे और यह भूसी को कहां डालेगा? आग में। तो ऊपर जो बोला पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देना, कौन सा है? ये यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाकर वचन के अनुसार चलने वालों को पवित्र आत्मा रूपी वह सामर्थ देगा, ताकि वो गेहूं के समान बने रहे, ताकि अंत में स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए। दूसरा, मसीह में है कहते हैं लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलेगा, वो भूसी के समान है, वह कहां डाला जाएगा? आग में। मतलब कहां? नरक में। उसके साथ अन्य जो है जो मसीह को नहीं जानते वो भी उसी में डाला जाए, वो अलग बात है। लेकिन जो अलग कर रहे का काम स्वामी कर रहा है, अर्थात ये भूसी प्रभु को जानने के बावजूद वचन के अनुसार न चलने वाले हैं। अब दूसरे एक संदेह ये बात आती है कि पवित्र आत्मा जब उतराया था तब वहां आग उतरा था ना। हेलो, पवित्र आत्मा जब पिंतेकुस्त के दिन में उतरा था उस वक्त आग उतरा था ना? है, और से बोलिए ना। नहीं उतरा है। अपड़ी अपरेतों का काम दूसरा अध्याय 12 पद से
प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 12 पद से जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। दूसरा पद में लिखा एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुना। हेलो, इधर देखिए क्या हुआ, आंधी हुआ। हेलो, आंधी हुआ है क्या वहां? नहीं हुआ। वहां हुआ क्या है? आंधी की सी सनसनाहट का शब्द, मतलब हुआ क्या है? शब्द हुआ है, आंधी नहीं हुई। बड़ी आंधी चलते वक्त जैसा शब्द होता है वैसा शब्द हुआ है, आंधी नहीं हुई। आंधी का सा सनसनाहट का शब्द। आगे आगे के बारे में तीसरा पद, और उन्हें आग की सी जीभें भटती हुई दिखाई। क्या देखा? भटती हुई जीभ, आग नहीं है, आग की सी भटती हुई जीभ। नहीं समझा भी क्या दिखाई दिया है? भटती हुई जीभ, आग नहीं था, आग की सी। क्या बोला? भटती हुई आग से एक दिया जल रहा है, उसमें धीरे से हवा चले तो क्या होगा? उसका बीच में एक दरार जैसा आता नहीं है क्या? हेलो, दिया जो जल रहा है उसमें धीरे से यदि हवा चले तो क्या होगा? वो जो जल रहा था उसके बीच में क्या आएगा? एक दरार जैसा आएगा। वैसा आग की सी भटती हुई जीभ दिखाई, तो दिखाई दिया क्या है? भटती हुई जीभ है, आग नहीं, आग का सा। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरा था वहां आग नहीं था, तो भटती हुई जीभ क्या दिखा रहे हैं? एक व्यक्ति जीभ किस लिए उपयोग कर रहे हैं? हेलो, जीभ किस लिए उपयोग कर रहे हैं? बोलने के लिए। क्या बोलने के लिए? हैं? जो भाषा आप जानते हैं वो भाषा बोलने के लिए नहीं है, है कि नहीं? तो उस जीभ को भटती हुई दिखाई दिया, इसका मतलब आप जो भाषा जानते हैं वो बोलने के लिए नहीं है, वो जीभ जो आप जो भाषा बोलने के लिए उपयोग करते हैं उसको परमेश्वर ने भटती हुई जैसा बना दिया ताकि आप अपनी भाषा अपनी जुबान से जो बोल रहे हैं उसका नियंत्रण आप खो दे और आपके जुबान पर नियंत्रण पवित्र आत्मा का हो जाए ताकि पवित्र आत्मा जो शब्द आपके जुबान से बोलवाना चाहते हैं वो आपके द्वारा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरा था वह ना तो आंधी था ना तो आग था। अभी तक हम सोचते ही रहे क्या है, भयंकर आंधी चला, भयंकर आग आया, कुछ नहीं हुआ वहां। आंधी का सा शब्द हुआ, आग का सा भटती हुई जीव दिखाई दिया। तो वहां जो पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा, जो कहा है वो आग का बपतिस्मा कौन सा है? नरक है। अर्थात ईश्वर से मनुष्य जाति का उद्धार करता पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला ईश्वर से पर विश्वास करने वाले पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाएंगे। उतना ही नहीं, उनकी आज्ञाओं को ना मानने वालों पर न्याय होगा, उन्हें न्याय करके
दंड अर्थात नरक में डालेगा। ये काम भी कौन करेगा? मसीहा करेगा। अर्थात मसीहा के पास यह अधिकार है एक व्यक्ति को स्वर्ग पहुंचाने का, दूसरा कहा नरक डालने का। यद्यपि ये पवित्र आत्मा की अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो काम हुआ है, हो रहा है, लेकिन ये जो काम कौन सा? आग की बपतिस्मा, आग में डाला जाने का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो अंतिम दिन में वो पूरा हो जाएंगे। या भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा, जो बुझने की नहीं है, इसका मतलब वो आग कौन सा है? नरक। कभी न बुझने का आग वो कहां पाया जाता है? केवल केवल कहां? नरक में। इसलिए वो नरक के बारे में 18 पद से पढ़िए। अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया, तो हेरोदेस ने उन सबों से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि योहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। या अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। कौन? कौन? योहन्ना बपतिस्मा देने वाला। परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को, चौथाई देश के राजा हेरोदेस मतलब, हेलो, चौथाई देश का राजा हेरोदेस मतलब ऊपर जो बोला था, ये हेरोदेस कहां का राजा है? हेलो, है जोर से बोलिए ना, हेरोदेस कहां का राजा है? गलील का राजा है। उसके बारे में, गलील के बारे में कहा था चौथाई देश। चौथाई देश क्यों कहा? उस प्रांत को चार भागों में विभाजित किया था, उनमें से एक भाग है कौन सा? गलील। वो गलील का राजा है कौन? हेरोदेस। उसका एक भाई है कौन? फिलिप्पुस। नहीं है फिलिप्पुस कहां का राजा है? हेलो, फिलिप्पुस कहां का राजा है? ऊपर पहला पहला अर्थात उस पहला पद में ही, तीसरा अध्याय का पहला पद में ही उस शब्दों को लिखा है। कौन सा है? इतुरिया और त्रखोनित्यूस, इन दो शहरों का राजा है कौन? फिलिप्पुस। तो ये फिलिप्पुस हेरोदा का कौन, हेरोदेस का कौन है? कौन है? भाई है ये हेरोदेस। मैंने कल भी कहा हेरोदेस राजा का नाम नहीं है, हेरोदेस कौन सा नाम है? पद का नाम है। ये हेरोदेस कौन है? हेरोदेस अंदिपास है, हेरोदेस अंदिपा, हेरोदा ग्रेट जो यीशु मसीह के जन्म के वक्त था, ये हेरोदा, हेरोदेस अंदिपास जो यीशु मसीह के मृत्यु के वक्त भी था और योहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार डालने वाले। तीसरा कौन है? हेलो, हेरोदा अग्रिपा पहला। कौन है वो? प्रेरितों का काम 12 अध्याय में पत्रस को बंदीगृह में डालने वाला और याकूब को मरवा डालने वाला, जिसको स्वर्गदूत ने मारा, जिसके कारण कीड़ा पड़कर मर गया, वो है कौन? हेरोदेस अग्रिपा पहला। चौथा कौन है? हेरोदेस अग्रिपा दूसरा। वो कौन है? जब पौलुस बंदीगृह में था कैसरिया में, तब पौलुस जिस राजा के सामने प्रचार किया वो है हेरोदेस अग्रिपा दूसरा। इसका मतलब हेरोदेस राजपद का नाम है, ये हेरोदेस जो है अंदिपास, हेरोदेस अंदिपास, उसका भाई है फिलिप्पुस। उसने एक कुकर्म किया, वह ये था, उसने चौथाई देश राजा के हेरोदेस, राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया। योहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों को नहीं छोड़ता था। हेलो, यह प्रचार किया मन फिराने के लिए, मन फिरा कर लोग आया, बपतिस्मा लेने के लिए आया, आने वाले लोगों को बोला तुम कौन है? सांप का बच्चा है, तुमको कौन बोला है? आगे चेतावनी दिया, कुलाड़ा रखा है, क्या करेगा? काट कर आग में डालेगा। उसके बाद बोला वो आएगा, उसके पास क्या है? सूप है, वो खलिहान को साफ करेगा, तुम सारे भूसियों को कहां डालेगा? आग में डालेगा। इतना कड़ा आदमी ये योहन्ना
राजा को भी नहीं छोड़ता था। यह हेरोदेस उनका भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियस को, हेरोदियास जो फिलिपुस की पत्नी है उसको अपना पत्नी बना दिया, भाई की पत्नी को अपना पत्नी बना दिया। कौन? राजा योहन्ना जाकर उसको उलाहना दिया, मतलब क्या है, उसको डांटा, तू जो कर रहा है गलत है। केवल वही नहीं, और भी अनेक गलत काम उसने किया, सारे कुकर्म के विषय में उसको चेतावनी दिया, उसको उलाहना दिया, जिसके कारण वो इन्हें पकड़कर बंदी गृह में डाला। तो विश्वपद हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। यह यूहन्ना अंतिपास, सॉरी ये हेरोदेस अंतिपास उनके गलतियों को कहने के कारण यूहन्ना को पकड़कर बंदी गृह में डाला। यह सबसे बड़ा कुकर्म रहा, क्योंकि यह यूहन्ना परमेश्वर की ओर से भेजा गया अभिषित भविष्यद्वक्ता था, जिसके कारण उसने उनको, इसका मतलब इसके पास अधिकार है, यहूदी हो या नेता हो जो गलत काम करता है उसके विरोध में चेतावनी दे, इसलिए उन्हें चेतावनी दिया, जिसके कारण उन्हें पकड़कर बंदी गृह में डाला है। आगे पढ़िए 21 पद से, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। या जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। अब ऊपर बोला यूहन्ना को पकड़ कहां डाला, बंदी गृह में डाला, और नीचे क्या बोल रहा है, यीशु मसीह के बपतिस्मा, यीशु मसीह को बपतिस्मा किसने दिया, कौन दिया था, तो यूहन्ना अभी कहां है, तो जेल से आकर दिया था क्या, नहीं है। यूहन्ना के बारे में जब कह रहा था, पहले देखिए पहला भाग अभी जो कहते आ रहा था यूहन्ना के बारे में कह रहा था, यूहन्ना की सेवकाई, यूहन्ना की सेवकाई का अंत कैसे हुआ ये कहने के लिए ऊपर कहा था, हेरोदेस उसको पकड़ कर कहां डाल दिया, जेल में डाला। लेकिन आगे जो कह रहे हैं वो उससे पहले हुई बात है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सेवा करते वक्त जो हुआ है वो घटना है जो आगे कह रहे हैं, यीशु मसीह का बपतिस्मा। यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में लूका, यद्यपि हम छोटी बहुत ही कम लिखा है, लेकिन मत्ती और मरकुस ये सब यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप में लिखा है। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आए तो यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बोला, देख परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और यीशु मसीह के पास बपतिस्मा लेने के लिए आए तो यूहन्ना ने बोला, मुझे तुमसे बपतिस्मा लेना है, तो उसने कहा, अब ऐसा ही सारी धार्मिकता पूरी हो जाए। ये कहकर यीशु ने उनके हाथ से बपतिस्मा लिया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया तो यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह के बपतिस्मा की विशेषता, यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद वहां कौन कौन था लिखा है, प्रार्थना कर रहा था, स्वर्ग क्या हो गया, खुल गया। बपतिस्मा ऐसी एक सेवा है जिससे स्वर्ग क्या हो जाता है, खुल जाता है, क्योंकि स्वर्ग प्रसन्न होने वाली एक सेवा है। स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतर आया। अब पवित्र आत्मा कबूतर के समान अक्षरिक रूप पर क्यों उतर आया, वह इसलिए आया, यूहन्ना को परमेश्वर ने बोला था, क्या बोला था, मसीहा कौन होगा इसका प्रमाण कैसे तुमको मिलेगा। यूहन्ना 1:33 में यूहन्ना कहता है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, किसे, यीशु मसीह, यद्यपि यीशु मसीह से 6 महीना बड़ा है कौन, यूहन्ना, लेकिन वो कह रहा है मैं तो उसे पहचानता नहीं था, झूठ बोल रहा था क्या, वो रिश्तेदार है दोनों, कसिन से दोनों नहीं है क्या, हेलो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह दोनों कौन है, कसिन से,
रिश्तेदार है क्या, है क्या, कैसे मालूम? स्वर्गदूत आकर मरियम को क्या बोलती है, क्या बोलते हैं, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा, तेरी कुटुंबिनी, इसका मतलब दोनों कौन है, रिश्तेदार है, इसका मतलब उनके बच्चे हैं, तो दोनों कौन है, कजिन्स है। लेकिन यह ना कह रहा, मैं तो उसे पहचानता नहीं था। क्यों नहीं पहचानता था? क्योंकि यीशु मसीह गांव में रहा, यह कहां रहा है, नहीं समझा, ये कहां रहा, जंगल में रहा, और जंगल से सीधा कहां आया, यरदन में आया। और दूसरा, तब तक का 30 साल तक यीशु मसीह अपना ईश्वरत्व को प्रकट नहीं किया, वो एक साधारण बच्चे के रूप में कहां रहा, अपने घर में रहा, जिसके कारण यूहन्ना को पता नहीं चला कि वो बपतिस्मा देने वाला जो वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह यीशु नासरत का यीशु मसीह है, जिसके कारण आगे पवित्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर यूहन्ना को बोला, तू जाकर लोगों को पानी में बपतिस्मा देना, और तेरे पीछे एक आएगा, वो लोगों को क्या देगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और तुमको कैसे मालूम होगा कि वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है, क्योंकि तुम देखेगा उसके ऊपर क्या आएंगे, पवित्र आत्मा आएगा और ठहरेगा। अब यूहन्ना यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, उसके बाद यीशु मसीह पानी में से ऊपर आया, प्रार्थना कर रहा था, यूहन्ना भी वहां खड़ा है, लोग भी वहां खड़ा है, तब पवित्र आत्मा कबूतर के समान किसके ऊपर आया, किस लिए आया, ये यूहन्ना जो बपतिस्मा दिया उसको यकीन हो जाए, जिनको उन्होंने बपतिस्मा दिया वही कौन है, मसीहा है। पवित्र आत्मा का रूप में आकर यीशु मसीह के ऊपर ठहर गया, ठहर गया मतलब उसमें समा गया। वो कबूतर नहीं है, वो कौन था, पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा कबूतर के समान आया और उसमें ठहर गया, उसके अंदर, उसके जीवन में, उसके शरीर में वो ठहर गया, ताकि यूहन्ना को पूरा यकीन हो जाए कि यह कौन है, मसीहा है। तो जब यीशु बपतिस्मा लिया, उस वक्त वहां पवित्र आत्मा कबूतर के समान आया। अब देखिए यीशु मसीह का बपतिस्मा की विशेषता, यीशु बपतिस्मा लिया तो वहां कौन कौन है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहां है कि नहीं है। पवित्र आत्मा कबूतर के समान आया, इसका मतलब पवित्र आत्मा भी है। और आगे एक आकाशवाणी हुई, कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है, कौन कह रहा है, पिता परमेश्वर। इसका मतलब यीशु मसीह का बपतिस्मा के वक्त वहां कौन कौन था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आज भी जो कोई पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, वहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा अर्थात त्रि एक परमेश्वर उपस्थित रहता है। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, पिता कहते हैं यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु मसीह के बारे में पिता तीन बार यह गवाही दिया है, एक यीशु मसीह बपतिस्मा लेते वक्त, दूसरा कब है, दूसरा कब है, जब रूत पांदर पहाड़ पर यीशु मसीह का महिमा प्रकट हुई, तब यीशु मसीह के चेले पत्रस और यूहन्ना, याकूब, इनके सामने मूसा और एलिया प्रकट हुआ, बातें कर रहा था, तब परमेश्वर प्रकट होकर कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है। तीसरा कहा है, हेलो, तीसरा कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय में यीशु मसीह के मृत्यु के उसी सप्ताह, उस वक्त, उसी समय में, और एक बार पिता ने गवाही दिया कि यह मेरा कौन है, पुत्र है। लता आप लोग देखा ही नहीं, यूहन्ना ने सुसमाचार पढ़ाया था, यूहन्ना ने सुसमाचार 12वां अध्याय देखें, उसका 27 पद से पढ़े, 12 का 27। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, नहीं क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। यह है यीशु मसीह के बारे में पिता की तीसरी गवाही।
ये तीन बार यीशु मसीह के बारे में पिता ने गवाही दिया है। तो यीशु मसीह बपतिस्मा लिया तो पिता ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अर्थात यीशु मसीह की उस बपतिस्मा के द्वारा स्वर्ग प्रसन्न हुआ। सवाल यह है, यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत था? यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत था? कोई जरूरत नहीं था, तो फिर लिया क्यों? हमारे लिए वो एक नमूना दिखा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, वो अपनी सेवकाई, महिमामय सेवकाई आरंभ करने से पहले पिता की आज्ञा को या उस बपतिस्मा को लेकर अपनी उस आज्ञाकारिता को प्रकट कर रहा था। आगे पढ़िए 23 पद से। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का, और वह मत्ता का, और वह लेवी का, और वह मलकी का, और वह यन्ना का, और वह यूसुफ का, और वह मत्याह का, और वह आमोस का, और वह नहूम का, और वह असल्याह का, और वह नोगा का, और वह मात का, और वह मत्याह का। आगे 38 पद से पढ़े। और वह इनोस का, वह सेत का, वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह का वंशावली दो लोग का थे, एक मत्ती, दूसरा ये लूका। मत्ती यीशु मसीह का वंशावली जब कहते हैं अब्राहम से आरंभ होकर यीशु मसीह तक पहुंचते हैं, लेकिन यहां उल्टा है। और यहां वंशावली देखे, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष का था। कितना वर्ष का? यहूदी याजक लोग याजकीय सेवा, जो लेवी गोत्र से याजक के रूप में चुन लिया गया जवान, याजकीय सेवा 30 साल में आरंभ करते हैं, जिसके कारण यीशु मसीह भी अपनी महायाजकीय सेवा कितना साल में शुरू किया? 30 साल में शुरू किया। तो यीशु मसीह लगभग 30 वर्ष का था। जैसा समझा जाता था वह यूसुफ का पुत्र था। कौन कौन? अब यीशु मसीह का वंशावली कह रहे हैं वह यूसुफ का पुत्र था। कौन? अर्थात यीशु यूसुफ का पुत्र। और आगे कहा जा रहे हैं, लेकिन ब्राइक में लिखा है जैसा समझा जाता था, इसका मतलब हकीकत में वो यूसुफ का पुत्र नहीं है। हकीकत में किसका पुत्र है? वो परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए वहां लिखा है जैसा समझा जाता था वैसा यीशु यूसुफ का पुत्र है। आगे वंशावली कहकर आगे जाते हैं, और अंत में वह 38वें पद में वह एनोश का और वह शेत का। एनोश, एनोश का पिता कौन? शेत। शेत का पिता कौन? आदम। और आदम का पिता कौन? इसका मतलब आदम किसका पुत्र था? परमेश्वर का पुत्र है। आदम परमेश्वर का पुत्र है क्या? हाँ जरूर, क्योंकि आदम को बनाने वाला कौन था? परमेश्वर है। तो आदम किसका पुत्र है? अब मत्ती यीशु मसीह का वंशावली अब्राहम तक पहुंचता है, पहुंचाता है, या अब्राहम से लेकर मसीह तक पहुंचाता है। क्योंकि मत्ती किसके लिए लिखा है? यहूदियों के लिए। यीशु मसीह यहूदियों का वंश का यहूदी है, और उनका उद्धार करता मसीहा है। ये बात प्रमाणित करना चाहता था, जिसके कारण वंशावली लिखते वक्त मत्ती अब्राहम तक कहा, लेकिन लूका वंशावली कहां तक पहुंचा दिया? कहां तक पहुंचा दिया? आदम तक। क्यों? क्योंकि लूका किसके लिए लिखा है? यह पुस्तक सारे मनुष्य जाति के लिए लिखा है, यह कहने के लिए ये यीशु सारे मानव जाति का उद्धार करता है। इसलिए वह उस नाम लेकर, अर्थात उनकी वंशावली लेकर आदम तक और वहां से परमेश्वर तक पहुंचाता है। अब पढ़िए 4 पद, 4 अध्याय 12 पद से। या अब इसके बीच में कोई डाउट है अब तक जो कहा गया उसमें? यह 3रा अध्याय आज हमने सीखा, उसमें कोई संदेह है किसी बात पर? तो पढ़िए 4 अध्याय। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा
और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उससे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उससे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे और यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचा गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। यीशु मसीह 30 साल के उम्र में अपनी सेवा आरंभ करने के बाद करने के लिए पहले बपतिस्मा लिया, उसके बाद वो 40 दिन तक उपवास में रहा। मैंने कल कहा था परमेश्वर के वचन में क्यों 40 दिन उपवास, 40 दिन की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। कई बार 40 दिन पाए जाते हैं, ये क्यों? यद्यपि इसके लिए ज्यादा प्रमाण परमेश्वर के वचन में नहीं पाए जाते, इसका कारण क्या है, तो भी यह विश्वास किया जाता है 40 साल एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी आरंभ होने का समय है। यहूदियों के बीच में विशेष करके यहूदी पुरुष लोग 40वें साल में या 40 साल के आसपास विवाह करते हैं, तो एक पीढ़ी उसके बाद आरंभ होगा। इसलिए 40 दिन या 40 साल यह सब एक पीढ़ी समाप्त होकर दूसरा पीढ़ी आरंभ होने का प्रतीक है। इसलिए हो सकता है 40 दिन वे उपवास किए करते थे। यीशु मसीह भी अपना सेवा आरंभ करने के पहले 40 दिन उपवास किया। परमेश्वर के वचन में कई ऐसे लोग हैं जो 40 दिन उपवास किए हैं। यीशु मसीह भी सेवा आरंभ करने से पहले 40 दिन उपवास किया और यह लिखा है यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा। यर्दन से मतलब है? पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा, इसका मतलब बपतिस्मा लेकर लौटा है। यर्दन काहे के लिए गया था? यर्दन नदी में यीशु मसीह क्या लिया है? बपतिस्मा लिया, वहां से क्या कर रहा था? लौटा। और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। 40 दिन तक वो उपवास करता रहा। कहां करता रहा? जंगल में फिरते रहा उपवास और प्रार्थना के साथ, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हेलो, यीशु मसीह क्या कर रहा है? उपवास कर रहा है ना? शैतान क्या कर रहा था? परीक्षा कर रहा था। हम लोग उपवास किस लिए करते हैं? शैतान हमारी परीक्षा ना करे, नहीं है क्या? शैतान हमारी परीक्षा ना करे उसके लिए क्या करता है? उपवास करता है। लेकिन वचन में लिखा यीशु मसीह उपवास कर रहा था, शैतान क्या करता गया? इसका मतलब उपवास करते हैं तो भी कौन परीक्षा करेगा? यीशु मसीह 40 दिन उपवास करता रहा, शैतान भी 40 दिन उसका क्या करता रहा? परीक्षा करता रहा। अब उन दिनों में उसने कुछ न खाया, जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। इसका मतलब ये 40 दिन यीशु मसीह क्या नहीं किया? कुछ भी नहीं खाया। जब दिन पूरा हुआ, इसका मतलब 40 दिन खत्म हो गया, तो उनको क्या लगा? हेलो, क्या लगा? भूख लगा।
ये आस नहीं लगाए क्या है? यीशु मसीह को प्यास नहीं लगा है क्या? प्यास नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? वो पानी पीता था। हेलो, यीशु मसीह 40 दिन उपवास जब किया है तो यीशु मसीह पानी पीता था क्या? हेलो, यीशु मसीह पानी पिया है क्या? पक्का पिया है। क्यों? मान लो आप खाना भी नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे, आपको पहले खाना चाहिए या पानी चाहिए? है? नहीं है क्या? पहले क्या चाहिए आपको? पानी चाहिए। ऐसा है तो यीशु मसीह पानी भी नहीं पीता था, तो शैतान परीक्षा रोटी से नहीं करता, किससे करता? पानी से। इसका मतलब यीशु मसीह को प्यास नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो क्या करता था? पानी पीता था। स्पष्ट वही है। यीशु मसीह, यदि यीशु मसीह पानी भी नहीं पीते थे तो जरूर शैतान पानी से संबंधित बातों में उसे क्या करता? परीक्षा करता। क्योंकि भूख से ज्यादा है कौन सा? प्यास। 40 दिन तक पानी भी पी के बिना रह सकता है क्या? है? हाँ, रह सकता है, क्योंकि मूसा सब रहा है। मूसा यहोशू सब क्या रहा है? ना पिया ना खाया। मेरी बात को समझ रहे क्या? पानी भी बिना पिए रह सकता है, लेकिन आप लोग नहीं करना है। परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करे तो करना, नहीं तो पक्का मर जाएगा। साधु सुंदर सिंह किया है। साधु सुंदर सिंह जब 40 दिन उपवास किया, वो जंगल में उपवास किया था, तो जंगल में उपवास करते वो पानी भी नहीं पिया था। 40 दिन किया, 40 दिन जैसा ही खत्म हो गया, वो आत्मा से परिपूर्ण महत्वपूर्ण प्रभु का, महान प्रभु का दास था। 40वां दिन वो बेहोश हो गया, क्योंकि क्या भी नहीं पीता था, पानी भी। वो जंगल में पड़ा है, तो जंगल में कोई लोग जो गए थे, जो लकड़ी वाला काटने, उन्होंने देखा ये बेहोश पड़ा है, तब वे नाले से पानी लाकर क्या कर दिया, उनको पिलाया, तब उसको क्या आया है? होश आया है। परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में कई लोग हैं जो प्रभु के, मूसा जब उपवास किया, मूसा कहां था? परमेश्वर के पास। प्रभु उनसे बातें करता रहा था। हेलो, प्रभु उनसे बातें कर रहा, उसको पानी पीने के लिए कहां समय? क्योंकि कहां बैठा है परमेश्वर। परमेश्वर उसको पर्वत पर बुला, होरे पर्वत पर बुला, पर्वत पर बुलाया, पर्वत की चोटी पर परमेश्वर से बातें करता रह रहे। जो परमेश्वर की उपस्थिति में, वहां जब परमेश्वर को आमने सामने देखकर बैठा है, ना तो प्यास ना तो भूख। यद्यपि हम आज उपवास में प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, लेकिन मूसा जैसा वैसा नहीं है। इसलिए हमको क्या लगता है? प्यास लगता है, भूख लगता है। तो यीशु जब उपवास किया था, उसने जरूर पानी पिया होगा, जिसके कारण यहां शैतान रोटी से संबंधित बातों में उसकी परीक्षा किया। यदि पानी नहीं पिया था तो जरूर उसकी परीक्षा शैतान किससे करता? पानी पीने का संबंध में करता है। या तो उसने कुछ ना खाया, और यहां लिखा भी है कुछ ना खाया। यदि नहीं पिया तो जरूर क्या लिखता? कुछ ना खाया, कुछ ना पिया। तो कुछ ना पिया लिखा नहीं, इसके कारण वह जरूर पानी पिया है। तो उनको भूख लगा। तीसरा पद, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। शैतान यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए उसके पास आए, और यीशु मसीह का परीक्षा उस बात से वो कर रहा है, अर्थात उनका भोजन से संबंधित बातों में कह रहे हैं। उनका मालूम है ये क्या है? भूखा है। बोला भूखा है तो उसको इसी में परीक्षा करें। बोला तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तो ऐसा कर, ये पत्थर को क्या बना दो? रोटी बना दो। हेलो, ऐसा मान लो
हम यीशु मसीह के जगह पर होता तो हम लोग क्या करता है? अभी तुमको दिखाता हूं क्या मैं परमेश्वर का पुत्र हूं या नहीं, अभी तुमको दिखाता हूं। हम ऐसा ही करेगा, इसलिए प्रभु ने हमको यीशु नहीं बनाया है। उसका परीक्षा कर रहा था, बोला इस पत्थर को रोटी बना दे। इसमें क्या गलती था? यदि शैतान की उस बात को मानकर यीशु मसीह करता तो क्या गलती था? गलती जरूर है, क्योंकि यीशु इस पृथ्वी पर जब था तब जो कुछ किया है वो पिता के कहने पर किया था। पिता जो कुछ कहा वही किया, पिता जो नहीं कहा वो नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमने बार बार इस बात को देखा, बार बार यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अपनी इच्छा नहीं कर रहा हूं। किसकी इच्छा? पिता की इच्छा। मैं पिता की इच्छा पूरा करने के लिए आया हूं। पिता जो कह रहे वो मैं कह रहा हूं, पिता जो करना करने के लिए कह रहे मैं वही कर रहा हूं। तो जब शैतान ने बोला इस पत्थर को रोटी बना दे तो यीशु ने क्यों नहीं किया? क्योंकि पिता ने बोला नहीं। यदि पिता बोलता उसको बनाता बनाओ तो पक्का वो बना देता, लेकिन पिता ने ना कहा, जिसके कारण शैतान के कहने पर उसने वो काम नहीं किया। दूसरा, ये शैतान की आज्ञा को मानने का बराबर हो जाएगा। बोला किसने? शैतान ने। तो यीशु करें तो बात किसकी मान रहा है? शैतान की। मनुष्य पापी बनने का कारण ही वही था ना, कौन सा? शैतान की बात को हमारी दादी मान लिया है। नहीं समझा? कौन सा दादी है? हव्वा दादी। शैतान की बात को मान लिया। यहां भी यीशु मसीह की परीक्षा शैतान उसी से करता है। वहां भी देखिए, वो भी एक वाटिका है, अदन की वाटिका। ये भी कहां है? एक जंगल में है। वहां उस वाटिका में जब परीक्षा किया गया, किस बात से किया था? खाने से संबंधित। नहीं समझा? हेलो, इस वृक्ष के फल को खाओ तो किसके समान हो जाएगा? यहां भी शैतान यीशु मसीह का परीक्षा कैसे कर रहा है? खाने के संबंधित बातें, रोटी को पत्थर को क्या बना दो? हाँ, हमारा दादी खा लिया और खो दिया। हेलो, महिमा भी खो दिया, सब कुछ खो दिया। यीशु मसीह नहीं खाया और शैतान ने जो कुछ छीन लिया है वह सब वापस ले लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु उसकी परीक्षा करने के लिए जब आए हैं तो यीशु मसीह शैतान का सामना कैसे किया? वचन के द्वारा किया। यीशु कहता है लिखा है। क्या लिखा है? मनुष्य केवल, चार पद, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा, अर्थात वो व्यवस्था वरण की पुस्तक 8 अध्याय उसका 3 पद से लेकर इन बातों को कह रहा था। कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। तब शैतान ने उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उसे कहा मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह तुझे मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। अब एक बात ध्यान देना है, यीशु मसीह की परीक्षा जो शैतान कर रहा था उसकी पहला परीक्षा कौन सा था? पहली परीक्षा कौन सा था? पत्थर को क्या बनाने का। दूसरा परीक्षा कौन सा था? है? नहीं है। सीक्वेंस में देखें, दूसरा परीक्षा उनको मंदिर के कंगूरे पर खड़े होकर क्या कर दिया? उसको नीचे कूदने के लिए बोला, वही दूसरा था। ये जो मेरा दंडवत करो, इसका तीसरी परीक्षा था। लेकिन लू का
इसका सीक्वेंस बदल दिया। मेरी बात को समझ है? अब बाकी सुसमाचारों को देखें, जहां इसके वर्णन किया गया है वहां यीशु मसीह आराधना से संबंधित बातें, जो शैतान की परीक्षा किया यीशु मसीह का, वह आखिरी परीक्षा था। लेकिन लूका इसको उसको ऊपर ले ला रहे हैं। उसका कारण क्या है नहीं मालूम, लेकिन लूका उस बात को ऊपर ले आया। या अब शैतान ने उसके पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उसे कहा, मैं सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। देखिए शैतान क्या बोल रहे हैं, सारा वैभव सब कुछ दिखा दिया, बोला यह सब कुछ मुझे दिया गया है। सच बोला या झूठ बोला है? सच बोला है झूठ बोला है? सच तो है। यह सब किसका है? शैतान का नहीं है क्या? नहीं है क्या? योहन्ना के पत्र में क्या कहते हैं, सारा संसार दुष्ट के वश में अधीन में पड़ा। इसका मतलब सारा संसार किसका? तो शैतान जो बोला सही है क्या? नहीं है। उसमें एक गलती है। वो क्या बोला, ये सब मुझे मुझे दिया गया है। उसको दिया है क्या? नहीं है, ये ले लिया है। नहीं समझा? उसको दिया नहीं था, वो क्या किया था, ले लिया था। ये किसका था, किसका था? अरे भैया आप लोग है क्या यहां? ये किसका था? आदम का था। परमेश्वर ने आदम को दिया था ये सब, बोला इन सब के अधिकारी तू रहेगा, इसके ऊपर तू राज्य कर लेना। शैतान हमारे दादी के पास गया, उसको बहकाया और जो कुछ था वो क्या कर दिया, छीन लिया, ले लिया, उनसे छीन लिया। अब क्या करे, मुझे दिया गया बोलता है, इसलिए मैं बोला झूठ है वो। मैं ले लिया बोलने से सही बोल रहा था। ये शैतान तो कभी सच बोलता ही नहीं, क्योंकि वो झूठ और झूठ का पिता है। यदि मैं ले लिया बोलने से सही था, लेकिन ये क्या बोला, मुझे दिया गया है, इसलिए बोला वो झूठ है। दिया नहीं था, वो ले लिया था। और क्या कहते हैं, जिसे चाहता हूं उसे, हाँ वो सही है। शैतान को सिख देता है क्या? शैतान किसी को धनवान बना सकता है क्या? हेलो, शैतान किसी को धनवान बना सकता है क्या? पक्का बना सकता है। यदि शैतान यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह को शैतान ने बोला, ये थोड़ा दंडवत करो, ये सब मैं तुमको दे दूंगा, तो यीशु ने बोला तू मत ऐसा मत बोलो, है तेरे पास ये अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं बोला, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है ये इसके अधीन में है, या जिस किसी को चाहे क्या कर सकता है, दे सकता है। शैतान देता है क्या? पक्का देता है, पक्का देता है। कई लोग उसकी आराधना करते हैं, किस लिए है? जो शैतान वर्शिपर्स है, जो डबल वर्शिपर्स, उनका काम ही यही है। डबल वर्शिपर्स में जो है ना, जो शैतान की पूजा करते हैं, साधारण लोग नहीं है, अरबपति लोग है। शैतान और उनके बीच में एक सौदा है, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, है धनवान बनाएंगे। अफ्रीकन कंट्रीज में एक जादू टोने का ग्रुप है, जादू टोने ग्रुप, वे लोग किसी को भी धनवान बना सकता है, लेकिन कुछ शर्त है, 35 साल तक ही तू जिंदा रहेगा। लेकिन 35 साल तक तू भयंकर धनवान होगा, लेकिन 35 साल के बाद तू कीड़ा पड़ कर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आश्चर्य की बात ही यही है, कई लोग उसके लिए तैयार है, 35 साल के बाद मरे कैसे, तो भी
जब तक जिंदा रहेगा कैसे रहे, धनवान होकर रहे, क्योंकि शैतान किसी को भी क्या बना सकता है। इसलिए धनवान होना परमेश्वर की आशीष का प्रमाण नहीं है। हेलो, धनवान होना परमेश्वर की आशीष का प्रमाण है तो अंबानी होना चाहिए। कौन? परमेश्वर की ओर से आशीषित, क्योंकि हमारे भारत का सबसे धनवान कौन है? है मुकेश अंबानी है। यदि वो परमेश्वर से आशीषित, यदि धनवान सबसे परमेश्वर की ओर से आशीषित है तो वो होना चाहिए। प्रभु धन देता है, प्रभु पर भरोसा करने वालों को भी प्रभु क्या देता है? आशीष देता है। अब्राहम ऐसा आशीषित व्यक्ति था, अय्यूब ऐसा आशीषित व्यक्ति था, इसहाक याकूब सबके सब धनवान लोग थे। प्रभु उन पर भरोसा रखने वालों को भी धन देता है, लेकिन सारा धनवान परमेश्वर की ओर से आशीषित नहीं है। शैतान भी लोगों को क्या दे सकता है? धन दे सकता है। जब उसने कहा जिस किसी को चाहे मैं उन्हें दे, जो और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना। अर्थात यीशु मसीह स्थावरण की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 13वां पद को काउंट करके यह उनसे बातें करता है, कहते हैं तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। शैतान क्या बोला? तू मेरा क्या कर दो, मेरा क्या करो? इसका ये शैतान बना ही क्यों? इसी कारण बनाया हो। वो क्या चाहा? लोग उसकी क्या करें? आराधना करें। यह परम प्रधान परमेश्वर जिसकी आराधना सारा ब्रह्मांड करता है उसका सेवक था। देखते देखते इसके अंदर मन में विचार आया, लोग मेरी भी क्या करें, थोड़ी आराधना करें। आराधना करना है तो मुझे सिंहासन पर बैठना है, इसलिए बोला मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, अपना सिंहासन उसके सामने डाले, उसके पास डालेंगे, उसके साथ रखेंगे। क्यों? ताकि लोग मेरी क्या करें? आराधना करें। आज भी शैतान यही चाहता है, लोग उसका क्या करें? उपासना करें। लेकिन यीशु ने कहा लिखा है, अर्थात वचन के द्वारा उसने शैतान पर जय पाया। बोला लिखा है तो केवल किसकी उपासना करना है? परमेश्वर की उपासना, ना किसी मनुष्य, ना स्वर्गदूत, ना और किसी सृष्टि का, केवल परमेश्वर की आराधना करना है। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर में कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हेलो, ये यूहन्ना, सॉरी ये जो लूका, ये परीक्षा का सीक्वेंस क्यों बदला मालूम? वो यहां पाया जाता है उसका उत्तर। ये पहला परीक्षा कौन सा था? पत्थर को रोटी बनाने का। दूसरा ओरिजिनल दूसरा जो हुआ कौन सा है? वो कंगूरे कर फड़े करके मंदिर से क्या करने के लिए बोला? नीचे कूदने के लिए। और तीसरा कौन सा था? उसकी आराधना करने के लिए। अब पहला और आखिरी जो सीक्वेंस में आ जाए तो उन दोनों में यीशु ने शैतान को क्या बोला? लिखा है, वाचन में लिखा ये बोलकर। तो लूका थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, उसने उसको थोड़ा बदल दिया, रूट बदल दिया। क्यों? क्योंकि
जो यीशु वचन के द्वारा उस पर जय पाया, उन दोनों को पहले लिखा है कि नहीं? मेरी बात को समझ रहे ना? बोला यह पत्थर को रोटी बना दो, यीशु ने बोला लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। बोला मेरा दंडवत करो, उसने बोला लिखा है केवल किसका? परमेश्वर की आराधना कर। तो शैतान एक चाल चला, ये वचन बोलकर मेरे ऊपर क्या पा रहे, जय पा रहे। तो तीसरा ये क्या किया मालूम? पहले ये वचन बोल दिया। कौन? शैतान। कंगूरे पर खड़ा करने का बोला, उसमें कूदा बोला, उसके बाद क्या बोला? यीशु मसीह अभी तक किससे जय पा रहा था? किसके द्वारा? वचन के द्वारा। तो शैतान क्या लाया? वचन ला, लिखा है। यीशु बोला था ना लिखा है, कितना बार बोला? तो अभी कौन बोल रहा लिखा है? शैतान। क्या बोला? लिखा है। क्या लिखा? वो अपने दूतों को तेरे निमित्त, सही बोला है झूठ बोला है? अरे लिखा नहीं है क्या? अरे बंगानबे भजन सीधा में लिखा है। इसका मतलब शैतान भी क्या जानता है? जानता है क्या? अरे हमसे ज्यादा जानता है वो, नहीं जानता है क्या? कोई है जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पूरा पद जानता है? आप जानते हैं क्या? कोई है क्या? लेकिन शैतान को मालूम है, नहीं मालूम है क्या? अरे पक्का मालूम है। तो यीशु वचन के द्वारा उन पर जय पा रहे हैं, इसलिए शैतान का अगला चाल वो क्या है? वचन ही लेकर आया, ताकि यीशु मसीह वचन के द्वारा जय पा रहे तो वचन के द्वारा इसको क्या करे? फंसा दे। आज भी शैतान का सबसे बड़ा चाल यही है, गलत शिक्षा देकर लोगों को फंसाए। झूठी शिक्षा वाले सिखाता कहां से? हेलो, कहां से सिखाते हैं? कुरान से सिखाता है क्या? गीता भगवत गीता से सुनाता है क्या? नहीं है। झूठा झूठी शिक्षा वाले भी कौन से लिखाते हैं? वचन। इसमें लिखा है ऐसा दिखाएगा, समझ रहा है? हेलो, आजकल घूम रहा है ना माता परमेश्वर वाले हैं, और ये शनिवार की आराधना वाले, कई ग्रुप घूम रहे हैं। प्रमाण कहां से देगा? बाइबल से। याद रखना ये सब वो जो शैतान है ना, कौन? यीशु मसीह का परिचय किया है ना, उसका भाई लोग है। आएगा क्या लेके? क्या लेके? वचन। यही खोल कर आपको दिखाएगा। अरे भैया, यदि ये शैतान यीशु मसीह को इसी में से लेकर दिखाया है तो तुम्हारे पास भी यही लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। गलत व्याख्या आज कलीसियाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए शैतान सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। शैतान सही बोला था या झूठ बोला था क्या? अब देखिए, शैतान यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया, सबसे ऊंचे पर खड़ा कर दिया। उसके बाद क्या बोला? तो क्या हो जाओ? कूद जाओ, क्योंकि लिखा है। वो अपने स्वर्गदूतों को क्या देगा? स्वर्गदूत हाथों हाथ उठाएगा नहीं है क्या? है? उठाएगा नहीं है क्या? उठाएगा पक्का। किसको? गिरने वालों को उठाएगा, कूदने वालों को नहीं उठाएगा। नहीं समझा? गिरने वालों को उठाएगा, कूदने वालों को नहीं। शैतान यीशु मसीह को क्या बोलता है? तू क्या करो? कूद जाओ। समझ मेरी बात? उदाहरण अच्छा पुराने नियम में पाया जाता है। एक आदमी कौन? राइट रेवरेंट योना। नहीं समझा? परमेश्वर ने बोला कहां जाओ? निनवे को जाओ। गया पादरी कहां? कहां? हाँ, तर्शीश को। यदि वो निनवे को जाता तो फ्री में टिकट मिल जाता। अभी टिकट खरीद कर कहां चढ़ गया? तर्शीश जाने का
हैं जहाज में, ये अनाज्ञाकारी पादरी जैसा घुसा गड़बड़ी शुरू, आंधी तूफान आया, लगा जहाज क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ये पादरी लोग बिगड़ गया ना, भयंकर नुकसान होता है। विश्वासी बिगड़े तो भी एक सीमा है, लेकिन पादरी लोग बिगड़ गया ना, याद रखना पूरा जहाज डूबेगा। मेरी बात को समझ रहे ना, इसलिए पादरी लोग बिगड़ना नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये जहाज के ऊपर आंधी तूफान, लोग अपना सामान फेंक रहे, सब कुछ खाली कर रहे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आखिरी में किसी को अकल आया, अरे भैया इसके अंदर कोई होगा जिसके कारण ये हो रहा है। बोला चीट डालें, चीट डाला, जो अंदर घुसा था ना टिकट लेते हुए तो सबका नाम लिखा था, नहीं हेलो टिकट लेकर लेते हुए तो क्या लिखा था, नाम लिखा, उसमें राइट रेवरेंड किसका नाम भी है, योना का नाम भी है। चीट डाला, चीट निकला किसके नाम से, योना का नाम से। आप ढूंढ रहे पादरी कहां है, पादरी को ढूंढे तो पादरी मिल ही नहीं रहे। ये पादरी कहां है, नीचे आराम से एक प्रकार से कर्राटा लेकर क्या कर रहा है वो, तब तो पता नहीं चला ना ये सब हो रहा है करके। उसको जगाया, उठो बोला, तेरा नाम क्या है। मैं विचार से वो बोला होगा, बोला भी है, मैं परम प्रधान परमेश्वर का। इसका मतलब सारा गड़बड़ करने के बावजूद कहता क्या है, मैं राइट रेवरेंट। बोला तेरे नाम में चीट निकला है, तेरे कारण ये सब हो रहा है। हाँ उसने बोला सही बोल रहा है, मेरे कारण ही है। तो अभी तू बता क्या करना चाहिए। तो वह क्या बोला, मुझे उठाकर पानी में फेंक दो। अरे भैया इसको उठाकर फेंकने की क्या जरूरत है, पानी में तो जाना है ना, तो कूदने से नहीं होगा क्या, नहीं समझा। हेलो, ये इन लोगों को क्यों बोला, तुम लोग मुझे उठा कर क्या करो फेंको, ये कूदने से नहीं होगा क्या। हाँ ये वचन जानता है, इसको मालूम है कूदने से आत्महत्या हो जाएगा। आत्महत्या करने वाला कहां जाएगा, स्वर्ग नहीं जाएगा, कहां जाएगा नरक। इसलिए बोला मैं कूदूंगा नहीं, तुम लोग मुझे क्या कर देना, फेंक देना। प्रेज द लॉर्ड। जब फेंका गया तो परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया, भेजा गया एक एक तीमच, देवी को चुपराने बाइबल में मगरमच्छ लिखा है, मगरमच्छ नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, तीमच है वो भाषा में जो ट्रांसलेशन में शायद नए में तीमच है, तीमच, तीमच के पेट में जाकर बैठ गया। तीमच, तीमच के अंदर एक आदमी बैठ सकता है क्या है? अरे भैया ऐसा तीन मच है जो 10 हाथियों के बराबर है, 10 हाथियों के बराबर मछलियां पाए जाते हैं, जो कई जहाज को एक ही बार क्या कर सकता है, पलट सकता है, उसका पेट बहुत बड़ा रहता है। यह पादरी अभी कहां है, यह तीन मच के पेट में क्या कर रहा है, हेलो वो क्या कर रहा है, पक्का उपवास, ना तो खाना ना तो पानी, क्या कर रहा है, उपवास। उपवास के साथ क्या कर रहे हैं, वहां लिखा है वो क्या कर रहा था। हाँ पादरी बिगड़कर यात्रा करता है, तुमको परमेश्वर ऐसा जगह पर पहुंचाएगा ना तो पानी मिलेगा ना तो रोटी मिलेगा, तो क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। वो प्रार्थना किया। अब देखो ये पादरी तो परेशान तो है ही है, इससे ज्यादा परेशान कौन है, ये मछली नहीं है क्या, अंदर कौन पड़ा है, राइट रेवरेंट, साधारण नहीं है ये, तो खुद बोला मैं कौन हूं, परम प्रधान परमेश्वर का दास हूं। तीन मच को परमेश्वर बोला भी है मेरा दास है, ख्याल रखना।
नहीं समझा, इसका मतलब यह फूका है, एक को अंदर है बस, बाकी कुछ ना खा पा रहा ना पी पा रहा, यह भी परेशान। तीन दिन क्या करता गया इसको, है घुमाता रहा, तीसरे दिन कहां ले जाकर छोड़ दिया उसको, निनवे के किनारे में फ्री में पहुंच गया वो। नहीं समझा, टिकट लेने की जरूरत है, नहीं पहुंचा, फ्री में वहां पहुंच गया। विद्वान का अभिप्राय में ये जब वहां पहुंचा ना, तीन दिन ये तीन मंच के पेट में रहने के कारण इसका कलर ही बदल गया, क्योंकि ये जो ये मछली का पेट में एक नीला कलर का एक द्रव पाया जाता है, नीला कलर का। और ये पादरी के ऊपर क्या आया, ये नीला कलर आया, तो निनवे के लोग देखा एक नया जानवर है, इंसान को आज तक काला आदमी गोरा आदमी सब देखा है, नीला आदमी को कभी देखा नहीं है। तो ये कलर होने के कारण विद्वान के अभिप्राय में ये इसका रूप जो देखकर, इसका कलर वर देखकर पूरे निनवे के लोग भाग कर आया इसको देखने के लिए। तब राइट रवरेंड पादरी सही काम शुरू किया, कौन सा काम, प्रचार करने का, मन फिराओ नहीं तो परमेश्वर क्या करेगा, है नाश करेगा। अर्थात ये कूदा नहीं, लोगों को बोला मुझे उठा कर क्या करो, पानी में डालो, क्यों, क्योंकि कूदने वालों को परमेश्वर बचाता नहीं, गिरने वालों को मेरा परमेश्वर जरूर बचाता है। अब शैतान यीशु मसीह के परीक्षा करने के लिए वो वचन लेकर आया, तो लूका यीशु मसीह पहली दो जो बातें उसमें वचन से शैतान पर जय पाया, जिसके कारण आगे शैतान पहले वचन बोला, जिसके कारण लूका वह बात को आखिरी में लिखा होगा। तो उसने उनको लिखा है स्वर्गदूतों को आज्ञा दे, दसवां पद क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए वहां से उसके पास से चला गया। अर्थात यीशु मसीह शैतान पर तीसरा बार भी जय पाया, किसके द्वारा, वचन के द्वारा। बोला तो परमेश्वर के क्या नहीं करना चाहिए, परीक्षा नहीं करना चाहिए। याद रखिए, जब झूठी शिक्षा वाले वचन को तोड़ मरोड़ कर गलत शिक्षा सिखाते हैं, ये बताते हैं, उस वक्त उस पर जय पाने की तरीका यही है कि हम भी वचन उपयोग करें। यीशु मसीह वचन उपयोग किया, बोला परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना चाहिए। हेलो, परमेश्वर की क्या नहीं करना चाहिए, परीक्षा नहीं करना चाहिए। शैतान परमेश्वर का वचन का गलत व्याख्या करके यीशु को फंसाना चाहा, लेकिन यीशु वहां भी वचन से उस पर जय पाया है। वस्तावरण की पुस्तक छठवां अध्याय उसका 16 पद से वो कोट करके कह रहा था, अर्थात तीन बार यीशु मसीह ने उन पदों का उपयोग किया। अर्थात वस्तावरण 8 का 3 पहले बोला, दूसरा 8 का 13 और उसके बाद 8 का 16, इतने पदों को बोलकर यीशु शैतान पर जय पाया। और लिखा है शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। अब 40 दिन के उपवास के बाद शैतान यीशु मसीह के पास से चला गया, लेकिन लिखा है कितना समय के लिए, कुछ समय के लिए। इसका मतलब आगे भी यीशु मसीह का परिचय कौन करता गया, शैतान। याद रखना, जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक शैतान हमारी परीक्षा करता ही रहेगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम वचन के द्वारा शैतान पर जय प्राप्त करने वाले हो जाएं। परमेश्वर अपना वचन हमें दिया है कि हम वचन के द्वारा शैतान की सारी युक्तियों पर जय प्राप्त करने वाले हो जाए। इसलिए वचन सीखना जरूरी है, इसलिए वचन जानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए बाइबल स्टडी रखा है। हेलो,
या बाइबल स्टडी इसलिए नहीं रखा है वचन में आपका ज्ञान मिल जाए, नहीं नहीं, यह बाइबल स्टडी इसलिए रखा है यह ज्ञान आपको शैतान पर जय पाने की ताकत दे। गलत शिक्षाओं का विरोध में हम वचन के द्वारा जय प्राप्त करने वाले हो जाए। आगे पढ़िए 14 पद से। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालय में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। या अब ये पहला भाग यहाँ समाप्त हुआ है। पहला भाग कौन सा है? हेलो, लोग करें सुसमाचार। कितना विभाग जाना है? चार। क्या क्या है वो? चार यात्राएं हैं। लुकारेसु समाचार में क्या है? चार यात्राएं। कहां से कहां तक है? स्वर्ग से पृथ्वी तक, और पृथ्वी से पृथ्वी पर गलील में दूसरी यात्रा, तीसरा गलील से यरूशलेम की ओर, चौथी यात्रा यरूशलेम की यात्रा। पहली यात्रा स्वर्ग से पृथ्वी तक, कहां से कहां तक है? पहला अध्याय 5 पद से लेकर 4:13 तक। अब तक जो हमने सीखा वो यीशु मसीह की पहली यात्रा कहां से लेकर? स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी पर अपनी सेवा आरंभ करने तक जो यात्रा, वही है स्वर्ग से पृथ्वी तक जो यात्रा मैंने कहा है, अर्थात स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर सेवा आरंभ करने तक जो यात्रा, वही है कौन सा? 4:13 तक। पहला स्वर्ग से पृथ्वी तक, दूसरा कौन सा है? गलील की, कहां से लेकर कहां तक है? 4:14 से लेकर 9:17 तक। कहां की सेवा? गलील की सेवा। तीसरा कहां का? गलील से यरूशलेम तक। कहां से कहां तक है? 9:18 से लेकर 19:27 तक। और आखिरी यरूशलेम की उनकी सेवा कहां से कहां तक है? 19:28 से लेकर 24:53 तक। अब पहली जो सेशन अर्थात पहला जो विभाजन वह समाप्त हो गया, अर्थात यीशु मसीह का स्वर्ग से पृथ्वी तक आकर सेवा आरंभ करने तक जो यात्रा वह हमने देखा। मानव जाति के उद्धार के लिए यीशु आया, उससे पहले उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए किसको भेजा? हेलो, किसको भेजा? अभी तक जो सीखा वो क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा, उसका जन्म के बारे में उसके पिता को बोला, और आखिर में उसका जन्म हुआ और वो जंगल में रहा, आखिर में वो सेवा आरंभ किया। उससे पहले यीशु मसीह का जन्म मरियम से जैसे स्वर्गदूत ने कहा, वैसा उसका जन्म कहां हुआ? हेलो, कहां हुआ? बैतलहम में हुआ। और आकर कहां रहा? नासरत में। यह सब परमेश्वर का वचन पूरी होने के लिए था। मत्ती सुसमाचार में मत्ती इन सारी बातों को लिखते बताए, पुराने नियम में जहां कहीं भी वो घटना लिखा है उसको भी कोट करके लिखा है। कतब वो इसलिए हुआ कि ये वचन पूरी हो जाए, मत्ती सुसमाचार में लिखा है। तो यीशु मसीह का जन्म बतलहम में हो जाए, इसलिए अगस्तुस कैसर के द्वारा यह आज्ञा निकाला था कि सब लोग अपना नाम गृह नगर में जाकर क्या करें? लिखवाएं। और यीशु मसीह का जन्म बतलहम में हुआ, आकर नासरत में रहा, और नासरत में रहा हुआ यीशु का जन्म वहां हुआ, वहां उसका खतना किया गया, 40वां दिन मंदिर में लेकर गया, और आकर नासरत में रहा। नासरत में रहने के 12वां साल में कहां पहुंचा? यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में जाकर उनकी वह शर्मणी हुआ। कौन सा शर्मणी? जोर से बोलिए, बार मितवा शर्मणी पूरी हुई। उसके बाद यीशु अपने माता पिता के अधीन में रहा, कब तक? 30 साल तक। अब यीशु आरंभ सेवा आरंभ करने से पहले उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो जंगल में था, उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। उन दिन में कई नामी लोग था, नहीं है क्या? हेलो, नामी लोग था ना? कौन कौन है? जोर से बोले, तिबेरियास कैसर, और कौन? पोंतियुस पिलातुस, और कौन? हेरोदेस, और कौन?
Philippos, Argon, Louisianas, नहीं है, और कौन है? हन्ना, और कौन है? कैफा, धर्म के अगुवे लोग भी थे, समाज के अगुवे लोग भी थे, राजा लोग, सम्राट लोग था, लेकिन वचन केवल किसके पास पहुंचा? जंगल में रहने वाले यूहन्ना के पास, क्योंकि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से चुन लिया गया व्यक्ति था। वो जाकर मन फिराव का प्रचार किया, लोग मन फिरा कर बपतिस्मा लेने के लिए आए, आने वालों को वो क्या कहता, तू कौन है? सांप का बच्चे लोग है, बोला, मन फिराया, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन खत्म नहीं हुआ, क्या होना चाहिए? फल लाना चाहिए, फल नहीं लगा तो क्या लगा है? कुल्हाड़ा कहाँ रखा है? जड़ में रखा है, काट कर कहाँ डालेंगे? यह सब सुनकर लोगों ने सोचा यही कौन है, मसीहा है। तो यह ना बोला, नहीं है बाप रे, नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं हूं, मैं कौन हूं? उसका जूती का बंधन खोलने के लिए भी मैं तो योग्य नहीं, मैं केवल तुमको पानी में बपतिस्मा देता हूं, मेरे पीछे जो आ रहे हैं वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और वो यीशु यूहन्ना के हाथों में बपतिस्मा लेकर अपनी सेवा आरंभ करने से पहले 40 दिन जंगल में क्या किया है? उपवास किया, और उपवास के द्वारा शैतान पर उसने जय पाया है। अब 4:14 से लेकर यीशु मसीह की दूसरी यात्रा कहां गा? गलील के प्रांत में की जाने वाली की गई वह सेवा, वह यात्रा वहां पाए जाते हैं। अब 4:14 चाय का समय हो गया या? यीशु ये बात कहकर आगे जाए, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। कहां से लौटा? हेलो, कहां से लौटा? कहां से लौटा? आप लोग यहां है ना, कहां से लौटा? जंगल से। तो यीशु मसीह कहां था? जंगल में था ना, लेकिन शैतान यीशु मसीह को कहां लेकर गया था? मंदिर के कंकुरे पर। इसका मतलब यीशु मसीह कहां होना चाहिए? मंदिर कहां है? यरूशलेम में है ना। शैतान यीशु मसीह को कहां लेकर गया? हेलो, कहां लेकर गया? मंदिर में लेकर गया ना, कंकुरे पर खड़ा कर दिया ना, है कि नहीं? तो यीशु मसीह कहां होना चाहिए? यरूशलेम में होना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह आ कहां से है? समझ रहे ना मेरी बात? यीशु मसीह परीक्षा, यीशु की परीक्षा करने के बाद यीशु मसीह कहां से आ रहे हैं? जंगल से कहां लौटा? गलील को लौटा। लेकिन यीशु मसीह शैतान यीशु मसीह का परीक्षा कर किया कहां? आखिरी में लूका के अनुसार कहां? आखिरी में मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके किया था। तो यीशु मसीह कहां है ओरिजिनली? अभी कहां है? यरूशलेम में है या जंगल में है? यीशु मसीह जंगल में ही था, वो कभी यरूशलेम में गया नहीं, वरना कभी कंगूरे पर खड़ा हो गया। फिर क्या था? शैतान यीशु मसीह को उनके विचारों में, उन स्थानों में लेकर जा रहा था। मेरी बात को समझ रहे क्या? अच्छा अर्थ में यीशु मसीह को पकड़ कर कहां लेकर नहीं गया? यरूशलेम के कंगूरे पर लेकर गया है क्या? उसका ताकत किसमें नहीं है? शैतान में नहीं है। दूसरा, शैतान बोलने से यीशु जाएगा क्या? मेरी बात को समझ रहे क्या? यीशु मसीह कहां है अभी भी? उसकी परीक्षा होते वक्त भी वो कहां था? जंगल में। जहां यीशु है वहां शैतान ने ये बातों को ऐसा दिखा दिया। मेरी बात को समझ रहा होगा? अक्षरार्थ में यीशु मसीह को कहां लेकर नहीं गया? मंदिर के ऊपर लेकर नहीं गया। फिर उनके विचारों में यीशु को उस बातों को दिखा रहा था कौन? शैतान। क्योंकि यीशु मसीह परीक्षा जब खत्म हुआ तभी कहां था? कहां था? जंगल में था। इसलिए जंगल से वो वापस कहां लौटा? कहां लौटा? गलील को लौटा। या फिर
फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। अरो क्या, किससे भरा हुआ? आत्मा के सिखाए जाने से कहां गया था? नहीं है वो परीक्षा में चार पद, चार चार का पहला पद पढ़िए जल्दी जल्दी। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा। कहां गया? जंगल। पवित्र आत्मा से भरकर कहां गया? जंगल गया। जंगल में 40 दिन उपवास करने के बाद यीशु वापस आ रहे हैं। वापस कैसे आ रहे हैं? यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। पहले आत्मा से भर कर गया, अभी वापस कैसे आ रहे हैं? आत्मा की सामर्थ से भर कर आ रहे हैं। उपवास की विशेषता यही है, उपवास में सामर्थ मिलता है। यीशु सामर्थ से भरा हुआ वापस गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते थे। यीशु अब आकर सेवा आरंभ किया, उसकी चर्चा अर्थात उसके बारे में हर जगह पर चर्चा होने लगे। सारे देश में उसका यश चलने लगा, लोग उसके बारे में बातें करने लगा, उसके बारे में कहने लगे, उसकी चर्चा होने लगा। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते थे। यीशु मसीह सिनागोगों में और आराधनालय, मतलब यहूदियों का सिनागोग आराधनालय, वहां जाकर परमेश्वर का वचन सुनाता था, उपदेश देते थे और सब उसकी क्या करते थे? बढ़ाई करते थे। उसकी बातों को सुनने वाले उसकी तारीफ किया करता था। अब ब्रेक होगा, चाय और पियेंगे उसके